हाय एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EFIR कैसे रजिस्टर करें, उसकी क्या प्रोसेस है, और मध्य प्रदेश में खासकर अगर आप EFIR करना चाहते हैं तो उसका कौन सा पोर्टल है, हम पोर्टल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये जीवन पोर्टल जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है, और सबसे पहले जब भी आप EFIR करना चाहते हैं तो आपको ये पोर्टल पर जाना पड़ेगा, और इस पोर्टल पे आपको सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे EFIR रजिस्टर, सबसे पहले आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें कि नागरिक पंजीकरण करना पड़ेगा। इसमें आपको अपना यहाँ पे आप नाम डालेंगे, सेकंड आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी आपको डालना कंपलसरी है, देन उसके बाद आपको यहाँ अपना पासवर्ड आप क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आप वापस ये सारी चीज़ें करने के बाद आप वहाँ पोर्टल पे जाएंगे और आप EFIR लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और OTP के माध्यम से आप इसे वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पे आप एक पेज आपको कंप्लीट ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपकी क्या शिकायत है, आप क्या जो है आपको साथ घटना हुई है, ये सारी कंप्लेंट आपको उस EFIR में सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपने जो है जो कंप्लेंट दायर की है सबमिट करने के बाद आपको उसको मान लीजिए देखना है तो आप व्यू EFIR पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक होने के बाद पहले आपको पंजीकरण करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और जो OTP है उसको डालेंगे, फिर यहाँ से आप अपनी EFIR को देख सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस है EFIR करने की। EFIR हमारे देश में एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि EFIR हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, हमने जो EFIR देखी, हमने जो लिखी है उसमें क्या एक्शन हुआ है, उसमें उसकी कॉपी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है। EFIR से संबंधित और भी कोई चीज़ें आप जानना चाहते हो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको EFIR के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।